हेलो, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2018 नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है और हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे बोल रहा है, अ हाइड्रोकार्बन ए, कोई एक ए हाइड्रोकार्बन है जिसका रिएक्शन हम ब्रोमीन रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड। इसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है अपने पास, विच बाय वुड्स रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे इसका रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं, इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन बन रहा है, लेकिन उसने बोला है लेस देन 4 कार्बन, लेस देन 4 कार्बन, 4 कार्बन से कम वाला यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो अगर हम पहले रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराएं, तो यहाँ पे हर कार्बन पे दो दो ब्रोमीन लग जाएंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम यहाँ पे VR2 का रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। अगर हम सेकंड वाले एल्कीन को देखें, इसका भी अगर हम VR2 से रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन अपने को बोला है ए रिएक्ट विद VR2 बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका मतलब ए और बी तो हमारा हो ही नहीं सकते। अब चलते हैं अपना सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन में अपने को गिवन है इथेन, और इथेन का रिएक्शन अगर हम VR2 के साथ करें, यहाँ पे कंडीशन अपने को रखनी पड़ेगी सनलाइट या हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा अपने पास इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा। अगर मैं इस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करूं, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन सेकंड बोला गया अपने को, तो एन ईथर की प्रेजेंस में अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करूं, तो इसके 2 मोल ले लीजिए और इसके 2 मोल यहाँ पे रिएक्ट कर दीजिए, और अपने पास बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। तो अपने पास बन गया यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, लेकिन बोला गया था हाइड्रोकार्बन लेस देन 4 कार्बन होना चाहिए, बना तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन है, अपने को पूछा गया लेस देन 4 हाइड्रोकार्बन वाला, तो इसका मतलब हमारा सी भी नहीं होगा। अब बचता है अपने पास डी ऑप्शन। तो डी की अगर हम बात करें, CH4 का रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ, ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड विद द लॉस ऑफ HBr। अब ये जो मिथाइल ब्रोमाइड बना है, ये मिथाइल ब्रोमाइड सेकंड स्टेप में बोल रहा है वुड्स रिएक्शन यहाँ पे होगा। वुड्स रिएक्शन में जो हमारा एल्काइल हैलाइड होते हैं, उनको हम रिएक्ट करते हैं किसी मेटल की प्रेजेंस में इथर सॉल्वेंट में, तो यहाँ से हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस केस में जो एल्केन बन रहा है अपना, दैट इज CH3 CH3 प्लस, साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे NaBr। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोकार्बन जो अपने पास बना लेस देन 3 कार्बन, 4 कार्बन बना, तो लेस देन 4 कार्बन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज आंसर नंबर डी। तो देखिए, क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। थैंक यू।